माई चैनल, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काफ़ी अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है, दिल से स्वागत है मेरे चैनल स्वाति लाइफ ऑफिशियल्स पर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ, क्योंकि हमारे जो सर हैं वो थोड़ा छुट्टी पर हैं आज के लिए। वो बता के गए थे, बाकी कंफर्म भी नहीं है, क्या पता अभी गए हों, क्योंकि ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटी में, तो कब मूड बना आगे, कब मूड बना नहीं आए। तो बाकी बता के गए थे कि मैं नहीं आऊँगा। तो तुम लोग भी परसों का टॉपिक बता के थे हम लोग के लिए, देखा ना तुम लोग खुद से। हमने भी सोचा कि ठीक है अभी कल हमारी भी छुट्टी, तो अब घर में खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ, आफड़ ताफड़। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक घर बैठे बैठे ही लड़ाई करवाई जाए। तो देखती हूँ मैं कि कैसे क्या रिएक्शन होंगे। आप लोगों को पहले सारी बात बताती होती हूँ कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। तो गाइस, पता है मेरी, वैसे तो मेरी सात बुआ हैं, सगी सात बुआ हैं मेरी, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो गाइस, ऐसा है कि ना मेरी सगी हैं वो सात बुआ, और उनमें से एक बुआ है मेरी जो पिछले आपको ब्लॉग में दिखाई भी दूंगी, रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई दी थी। उनकी गाइस दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो जो वो दो लड़के ना, उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा पटती होती है, मतलब जो भी सुख दुख आते होते हैं ना लाइफ में, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते होते हैं। और उनमें से ना एक तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखी होगी, मतलब एक थोड़ी हेल्दी सी है, सीमा नाम है उसका, जतिन। आप लोग पहले से अगर मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे हो ना कि 9 बजे रोज़ देखोगे, तो आप लोग मेरी फैमिली को जान भी जाओगे। तो गाइस, ऐसा है कि मैं ना आज उन दोनों को करने वाली हूँ परेशान, वो भी घर बैठे बैठे ही। पता है गाइस, वो तो रहती है राजस्थान, वो है काफ़ी दूर, और वो जो दूसरी वाली है छोटे वाली, वो रहती है रेवाड़ी के पास ही कोई गाँव है उसका, लाइक सुधराण, सुधराणा नहीं है, मोतला। तो वो गाइस बिलोंग करती है मोतला गांव से। तो मैं अब उसके पहले मैं ना मेरी जो बड़ी बहन है बुआ की लड़की, उसके पास फ़ोन करूँगी, क्योंकि जो छोटे वाली है ना वो मेरे भी सूट सिलती है और वो उसके भी सूट सिलते हैं। तो मेरी और जो बड़े वाली उसकी लड़ाई होती रहती है कि हाँ तू मेरे सूट कौन सिलती, मेरा इतने सिल दिए, उसके इतने सिल दिए, ये वो। तो इतना तो बनता ही होता है, बहनों में लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। अब मैं उसको फ़ोन करके बोलूँगी कि तूने क्या कहा मोनिका को कि मेरे सूट सिलियो पहले, स्वाति के मत सिलियो, क्यों तेरे को जड़न होने लगी। मतलब मैं छोटी सी बात को, क्योंकि उसको यूँ था कि ना मेरे, उसने 4-5 सूट ना एकदम से सिल दिए थे, और उसको महीने पहले वाले सूट भी नहीं सिले थे। तो उसको ये हुआ कि देख इसके तो सिल दिया, मेरा एक भी नहीं सिला और इसके 5 सिल दिए। तो यही चीज़ मैं आप उसको ये बढ़ा चढ़ा के बोलूँगी कि तेरे को जड़ मचती है मेरे सूटों से, तू बदल गई पहले से, ये है वो है, अपना प्यार बदल गया बहन। पता नहीं मैं क्या क्या बोलूँगी अब, आप जो जो बोलूँगी ना आप लोग देखते रहो। मैं इसको मिलाऊँगी फ़ोन, बाकी काफ़ी दिनों से बात भी नहीं हुई है मेरी, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता होता, तो मैं कर लूँगी। बस कल भी उसकी मिस कॉल आई हुई है, देखो सीमा आप लोगों को नहीं दिखेगा, सीमा जियो के नाम से आई हुई है कल, जियो के मतलब उसके एक जियो की सिम दिखा, काफ़ी नंबरों से वो मुझे फ़ोन कर लेती हूँ, मैं किस किस नंबर से सेव करूँ। तो फिर अब मैं उसको करती हूँ फ़ोन, और हो सका तो कॉन्फ्रेंस में ना उसको भी कहूँगी कि ला रूबरू, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि वो मुझे बोलती है कि तो उसके तो ज़्यादा चलती है और मेरे कम। तो मैं इसी बात को बना दूँगी बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़ा, तो देखते हैं क्या पता, सॉरी वो देखते हैं उठाएगी क्या। गाना तो भोलेनाथ का लगा रहा है, सीरियस होके बात करनी पड़ेगी गाइस। उठा 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 मेरे साथ ही प्रैंक ना हो जाए। गाइस उसका आए तो गा, मतलब मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, चाहे उसका कभी भी आए, तुरंत आ जाएगा तो मैं फटाक से वीडियो स्टार्ट कर दूंगी और काफ़ी मज़े लूँगी आज। आ गया आ गया आ गया आ गया, शुक्र मनाओ आ गया है ना। हेलो, तेरी आवाज़ नहीं आ रही ढंग से। हेलो हेलो, हाँ कहाँ व्यस्त हो बहना आप? कहीं ना,
पता नहीं, मैंने फोन किया था परसों, फिर उस टाइम तूने किया नहीं, फिर कल तेरी मिस कॉल आई। कल परसों किया तूने? अच्छा ऊपर से हाँ, तो मिस कॉल तो शो हो ही रखी है। बहन तू पलट गई बहन, सच में तू पहले वाली बहन नहीं रही। तू मोनिका को क्या बोली? क्या बोली? सूट के लिए। क्या बोली सूट के लिए? कि तू उसके सिल्ले है, इतने सुथरे सुथरे मेरे कौन सिलती? चड़ोगली 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 के चल चड़ोगलो कैसे पता तो यह बता मने एक बार तू क्यों फिर वो फिर तेरे के जड़ माची फिर मैं तो नहीं तो कही जाए मैं भाई तो नहीं होगा थोड़ा थोड़ा चिल्ला मारा जी थोड़ा थोड़ा चिल्ला कर ये डिजाइन डाल लेकर मान ले भी तो फिर मैं तो नया नया ब्याह होया है फिर हम पुराना हो गया तो मारे को अहमियत है खुलने ना बेबे पहले तो तू राजी होया करती मेरी चीज देख के ही इमन लागे तू चिड़े है रैन दिमा बोली बतेरी यूं बोली कि ना मेरा ना इबन है वो उसका ना सीली है एक भी जद मैंने फोन कराया था मगर नू कुकर बोली वा अभी रुक जा तू फोन काट पहले वो गेस्ट से कर दो क्यों कॉन्फ्रेंस पे घर कॉन्फ्रेंस पे ये तो जल्दी चिंगर की गई थी तो ज्यादा टाइम नहीं लगा ये ऐसी है नेचर की अफरा तफड़ी कनेक्ट ही नहीं हो रही है अब वो उसको भड़काएगी ये भगवान और फिर वो नेक्स्ट अभी बता ही दूंगी कि भैया ऐसे में तो व्लॉग शूट कर रही थी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें बोलूंगी मैं उसको कि कॉन्फ्रेंस पे ले कुछ हुआ अगर ऐसी है तो फिर बांडा फोड़ देंगे कि मैं तो मजाक कर रही थी काई से तो प्रैंक था प्रैंक के चक्कर में मेरे चावल सैंडविच और ठंडे हो गए कुछ समय पश्चात प्रयास करें आपके द्वारा करे तो गी मेरे सैंडविच मैंने सैंडविच बनाए थे कई आज और चाय भी बनाई थी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं ठंडी मेरा अचानक दिमाग में आया मगर सैंडविच खाते खाते चलो किसी के साथ बकवास कर ली जाए थोड़ी सी दोबारा करती ये है अभी कोई 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 यूँ कहते ना कि ऐसा ऐसा है नू कुक कर उड़ाए कि उड़ाए मस्त है एक नंबर आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें उन दोनों बहनों की लड़ाई ना छोट नहीं गई और तारे सूट साट मैं कौन सिल दी तारा चक्कर में मैं फंसू आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है कृपया गाइस जब उनका फोन आएगा ना तभी मैं आप लोगों से बात करी तो बोर हो जाओगे अच्छा हो गया फोन आ हेलो हाँ व्यक्ति से बात कर रहे कौन हेलो हाँ ये बात कर मोनिका से ए मैं क्या बोली है तूने यूं नहीं कही थी वो मना करती है सूट सिलने के लिए कौन किसका मना करती है मैं कल परसों अपनी परसों बात रही हुई कल बात हुई थी कि परसों अपनी कल हुई थी कल हुई थी हाँ कल हुई थी फिर तू यूं बोली कि ना वो किसके आ रही है ऐसे आवाज आराम से बोलो यार हेलो 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 अरे बतेरी हाँ बोल रही आवाज आ रही है ना मेरी आ रही है हाँ फिर तेरी है तेरी भी आती है हाँ तो सुन लो मेरी ये मुझे बोलती मोनिका कहती कि ना ऐसे ऐसे हाँ बता रही हूँ बता रही हूँ यूँ बोल रही कि ना कहती है इसके सूट ना सिल कर पहले मेरे सिल कर तेरा तो पहला तो बजाय मैंने बेइना दिया है क्या बात है रुक जाओ
चिढ़ रही है ना मुझसे। हाँ तो गलत बात है ना ये। क्या गलत बात है? ऐसे मेरे सूट तो मेरे ही सिलेंगे। तेरे सूट तेरे सिलेंगे। स्वाति को पहनी भी देख आई हो। एक चीज तो यह भी है, जागी तो उसने टाइम दे रहा ना। हाँ क्योंकि उस बंदे के पास एडवांस कपड़े रहेंगे। ये तो मैं ही मना करेगा ना, मैं तो भी ना बोल करेगा। तो बाहर मेरा सूट आना कर मत लड़ो, सिलो तो सिलो, ना सिलो तो बेटर मत सिलो, दे दे मेरा वापस, मत उधर चला। गाइस ये तो प्रैंक हो रहा था। मैं प्रैंक हो रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हूँ। आज का व्लॉग में यही डालेंगे। आज का व्लॉग तो मेरा हो गया शूट का। इस नहीं देख, आपका झूठ नहीं बोल रहा था, पर ये प्रैंक अच्छा लगी नहीं। मैं तो सीधा मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे इसने यूं कही थी, चलो चलो तुम्हारी तुम्हारी लड़ाई खत्म कराती हूँ। अरे इसने नॉर्मल बोला था कि बेबे सिल लूंगी तो ना थोड़ा टाइम लगेगा, ये बेटी के भी सिलने हैं मन्ने। फिर मैं सोचा चलो इस बात पे टकरा। मतलब हाँ अरे वो एक थोड़ा कॉलेज में हो गया था और फिर एक दो कमेंट भी आए जाए बेबे, फिर मैं सोचा कि एक व्लॉग बनाना चाहिए इस बात पे। कॉलेज में कौन से बोल रहे हो? लड़के नहीं बोलते, लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं। क्या बोल रही है? बताऊंगी बाद में। फिर मैं ही सोची आज तो इन दोनों को फद्दू बनाया जाए भाई। टेलरनी टेलरनी बिरचा दी। हो गया मेरा तो, वो तो गया प्रैंक। ले और ये तू कतल करा तू नू चाहे है के नहीं। मतलब मोनिका प्लान जब सक्सेसफुल हो, जब मोनिका नाटे जानती ना कि मैं ना तेरा सिल्लू और ना उसका सिल्लू है ना। जद मैं होगा भाई सीरियस हो लिया छोरी तो सुट्टा का चक्कर में। मैं तो जी खुश हो गया सच में बात करके। तू तो सच में मूड में थी बेबे। नूनी है मैंने कब कही है। अच्छा ये अरे पता है पहले तो यूं था मेरे, मैं का बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊं या ना बनाऊं। फिर मैं का चल आ तो तीन बज रही हैं ठा, इन दोनों में जब सुती होंगी तो ठाऊंगी। मजा आया बाकी। देखेंगे ब्लॉग देखेंगे तुम गाइस गाइस गाइस। तो गाइस ये मैं ब्लॉग एंड कर दूं तारे के कोई कौन था, रुक जाए एक बारी मैं व्लॉग का एंड कर लूँ। तो गाइज मैंने बना दिया मेरी बहन को थोड़ा थोड़ा सा फद्दू। पता नहीं ये सच में घुलती है एक दूसरे से, वो तो मैंने जल्दी बोल दिया कि प्रैंक चल रहा है। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और गाइज अगर आप लोगों को मेरे सूट इतने ही पसंद आ रहे हैं ना तो मैं आपको टेलरनी का नंबर भी दे दूँगी, सिलवा भी लेना।